बहुत दिन लॉकडाउन के बाद पहला जो मेरा रेस्टोरेंट फिर कवर होगा वो है तंदूर हाउस। तंदूर हाउस एक सबसे पहला कोलकाता का रेस्टोरेंट है जो ओपन हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ का सेफ्टी प्रोसीजर क्या है, कितना सेफ्टी ये लोग देख रहे हैं, चलिए देखते हैं कितना देखते हैं। सो बाय द वे, मुझे याद था मास्क के बारे में लेकिन मैं पहनना भूल गया था, जो मैंने बाद में लगा लिया है। अभी मैं जाके उनसे बात करूँगा, लेकिन बेसिकली वो जो बात होगा वो बंगाली में ही होगा। तो आपने तंदूर हाउस में हालवा, असल में ये भाई साहब मुझे बंगाली में बोल रहे थे जो मैं आपको ट्रांसलेट हिंदी में करके देता हूँ। असल में ये पहले थर्मल इमेज ले रहे हैं कि कितना बॉडी टेम्परेचर है, उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र, और असल में ये लोग कॉन्टैक्ट नंबर भी आपसे कलेक्ट करेंगे अगर बाई चांस आपका कुछ हो जाता है या फिर आपके वजह से कोई इन्फेक्शन या फिर कुछ होता है, तो बेसिकली वो लोग आपको कॉल करेंगे। इस प्रोसीजर की वजह से वो लोग आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं। तो अब हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे और देखेंगे यहाँ का खाना कैसा है, या फिर लॉकडाउन या फिर ये पैंडामिक की वजह से ये लोग क्या क्या चीज़ नया लाए हैं, चलिए देखते हैं। बाय द वे, यहाँ पे हर एक चीज़ विंटेज टाइम का है, जो सब पिक्चर्स दिया हुआ है या फिर जो ऊपर जो अपना लाइट लगाया गया है, हर एक चीज़ बहुत ही विंटेज दिखने में है। डिज़ाइन ही ऐसा बनाए कि विंटेज दिखने में, तो कैमरे से अच्छा आप लोग अगर आएंगे तो आंखों देखा ही आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। दबे, मैं बार बार ही भूल जाता हूँ कि आप लोगों को हिंदी में बताना है और मैं बंगाली में स्टार्ट हो जाता हूँ, लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पे यही बोलने वाला था कि हर एक सीट पे आपको बैठने से पहले स्पेसिफिकली उसमें सैनिटाइज किया जाता है, फिर आपको बैठने का इजाज़त होता है। असल में यहाँ पे और एक चीज़ बहुत ही अच्छा है, जो मेनू कार्ड अभी लॉकडाउन के बाद किसी के हाथ में या फिर स्पेसिफिकली किसी के टेबल में नहीं दिया जाता है। ये एक दीवार पर टंगा हुआ है, आपको वहीं से देखना होगा और ऑर्डर करना होगा। तो मैंने कुछ ऑर्डर किया है, देखते हैं कि कैसा खाना है यहाँ का, टेस्ट कैसा है, लॉकडाउन से पहले कैसा और टेस्ट था और अभी कैसा टेस्ट है। आई होप सब कुछ ठीक ही रहेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसा आता है, कैसा टेस्ट है, फिर टेस्ट करने के बाद बताएँगे आपको। लगता तो अच्छा ही लगेगा। पहले से जो यहाँ पे पानी दिया जाता था, अभी थोड़ा डिफरेंट टाइप का पानी दे रहे हैं। अभी ये लोग यूज एंड थ्रो जो ग्लास होता है उसमें पानी दे रहे हैं। आई होप ये सेफ्टी प्रोसीड्यूर से बहुत ही अच्छा है कि अभी आप लोग अच्छा खासा खाना भी खाएंगे, लेकिन थोड़ा कांच का ग्लास देता तो अच्छा होता। अभी मैंने एक ऑर्डर किया है जो है बिरयानी कॉम्बो, जिसमें आप देख सकते हैं एक चिकन का ग्रेवी, बटर चिकन, दो कबाब और एक बिरयानी, जिसमें स्पेशल चीज़ है एक अंडा। ये देखो अंडा, ठीक है तो खा के देखते हैं कैसा है। और एक चीज़, यहाँ का फूड एफिशिएंसी बहुत ही अच्छा है, खाना बहुत ही जल्दी आता है, अब ऑर्डर करने के ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट के अंदर ही आता है। बहुत दिन बाद मैंने ऐसा बिरयानी खाया, हो सकता है कि बहुत दिन बाद खाया तो इसीलिए एक ही लग रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट में इसको डालें कि कैसा लगता है। बिरयानी का टेस्ट सच्ची में बहुत अच्छा है, मतलब हो सकता है पहले जैसा ही है, लेकिन लॉकडाउन के बाद बहुत दिन बाद खा रहा हूँ तो डैम गुड। तंदूर कबाब, कबाब टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। बहुत ही सॉफ्ट है, मस्त मस्त। लॉकडाउन के बाद बहुत दिन बाद कबाब। इसी के लिए ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल फॉर अ मोर मोटिवेशन। मैं इसे अच्छा अच्छा और भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अभी बनाने के देरी है। प्लीज़ मोटिवेट माई सेल्फ एंड कीप सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल प्लीज़। सो गाइज, अभी हम लोग तंदूर हाउस से निकल के आ गए हैं, देखते हैं यहाँ का खाना पीना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपका टाइम भी स्पेंड होगा और आप लोग थोड़ा मज़ा भी कर पाओगे। तो एक ही बात बोलूँगा, आप लोग आइए,
खाना खाइए, देखिए घूमने का तो अभी टाइम ही टाइम है, अभी तो ऑफिस तो कुछ काम वाम है नहीं किसी का, सब कुछ तो यही चल रहा है बस। हाँ रियली मैं बोलूँगा आप सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, क्योंकि सेफ़ रहना सबसे अच्छा है, पहले सेफ़ रहिए उसके बाद खाना खाइए।